ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी ए वैभव वशिष्ठ, अ चैनल वेर यू विल बी गेटिंग ऑल द क्लासेस ऑफ फेयर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज एट फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड नॉट जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, वी विल बी लर्निंग ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ फेयर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज विद फन, विद एग्जाम्पल्स ऑफ सम बिग सेलिब्रिटीज एंड रियल लाइफ सिनेरियोज, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरी बताई हुई 1 मिनट स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो. और क्या थी 1 मिनट स्ट्रेटजी? जब भी आप हमारी नेक्स्ट क्लास देखो तो जो पहली वाली क्लासेस के आपने नोट्स बनाए हैं आपको उसको रिवाइज करते हुए आना है. अगर आप उसको रोज रिवाइज करते हुए आ रहे हो तो आपको केवल 1 मिनट लगेगी उसको रिवाइज करने में. एंड बिलीव मी, दिस 1 मिनट स्ट्रेटजी इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. हो सकता है जब आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हो तो एग्जाम के बीच में जो छुट्टी आए, बिजनेस स्टडीज के एग्जाम से पहले जो छुट्टी आए, उसमें आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि सर बिजनेस स्टडीज में तो हमको सब कुछ आता है. सो जब भी आप हमारी क्लास देखो तो उससे पहले के जो क्लासेस के आप नोट्स बनाते हुए आ रहे हैं उसको रोज रिवाइज करते हुए आओ. एंड वील अल्टीमेटली अचीव आर टारगेट ऑफ 100 out of 100 मार्क्स इन योर बिजनेस स्टडीज. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. और आज हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट. जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास में भी देखा था, चैप्टर 1 की आखिरी क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं. सर चैप्टर नंबर 2 क्यों नहीं? तो बेटा चैप्टर नंबर 2 आपका थोड़ा सा बोरिंग है तो उसको हम हमारे एकदम लास्ट में करेंगे. हमने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 3 चैप्टर 4 5 टू कीप योर सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज अ लिटिल इंटरेस्टिंग, आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए हम चैप्टर 2 को आखिरी में पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे आज से हमारा चैप्टर चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है. आप सब लोगों को पता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है. सर एनवायरनमेंट जो भी हमारी सराउंडिंग्स जिसमें हम रहते हैं वो एनवायरनमेंट होता है. हम गांव में जाते हैं तो थोड़ी अच्छी हवा हमको खाने को मिलती है और कुछ अच्छा पॉल्यूशन कम होता है, वो वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा होता है. शहर में पॉल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हमारा एनवायरनमेंट है. तो बेटा जैसे आप एनवायरनमेंट में रहते हो वैसे ही आपका बिजनेस या किसी का भी बिजनेस जो सराउंडिंग्स में रहता है वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाया जाता है. सर बिजनेस का भी एनवायरनमेंट होता है. सो यस, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस, ऑल द फैक्टर्स, ऑल द इंडिविजुअल्स एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अगर वो इफेक्ट कर सकते हैं तो वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आएंगे. सो योर बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स and institutions which are outside the control of business enterprise but these may affect its performance. वो हमारे हाथ में लिए लेकिन फिर भी हमारी performance को affect कर सकते हैं. जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, suppose करो इनकी सरकार गिर जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए, हो सकता है बेटा वो कुछ ऐसे changes लेके आए, कुछ ऐसी policies लेके आए जो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हमारे business को affect कर सकती है. आपका internet, आपका technological environment, बेटा इसमें कई ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपके हाथ में नहीं है लेकिन वो फिर भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. सर वो कैसे? तो बेटा आपके कॉलोनी में जो रामलाल अंकल है, सर वो कौन? जो आपकी किराना की दुकान है उस पर कोई भी अंकल जो आपके बैठते हैं, तो बेटा होता क्या था, पहले आपको कोई भी सामान मंगाना होता था, आपकी मम्मी बोलती थी ए चिंटी ए बिट्टी ए फलाना ए ढीमका, जा दूध लेके आ, जा चीनी लेके आ, तो आप क्या करते थे, उस किराना की दुकान पे जाते थे, सामान खरीदते थे और लेके आ जाते थे. बोले हाँ सर करते थे. अब आपकी मम्मी जब आपको कहती है कि दूध लेके आ, चीनी लेके आ, कुछ भी सामान लेके आ, तो आप क्या करते हो, आप फ़ोन निकालते हो, ग्रॉफर्स पे ऑर्डर करते हो और आपका सामान अपने आप आपके घर पे आ जाता है. कोई भी दूध लेने की, चीनी लेके, एक दो चीज़ भी होती है तो आप स्विगी इंस्टामार्ट खोलते हो, ऑर्डर करते हो और सीधा वो आपके घर पर आ जाता है. अब वो पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, बिग बाज़ार से लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं. सो बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन योर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो आपके रामलाल आपके किराना वाले अंकल है उनका तो बिजनेस इफेक्ट हुआ ना? बोले हाँ सर उनका बिजनेस तो इफेक्ट हुआ. सो ऑल दी फोर्सेस विच आर आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपके हाथ में नहीं है, वो आपके बिजनेस को अगर इफेक्ट कर सकती है तो वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आती है. ठीक है सर, ये पॉइंट तो हमको क्लियर हो गया. ये फोटो को आपने एक्सप्लेन नहीं करा लेकिन हम समझ चुके हैं
ये कोई दर्जी है जो कोई काम कर रहा है, जैसे कि सर हम जीन्स वगैरह पहनते हैं, लेकिन अभी नया चेंज आ गया, नया ट्रेंड आ गया प्लाजो पहनने का, तो मेरी क्लास की जितनी भी लड़कियां हैं, मेरी दीदी, मेरी कज़न सब प्लाजो पहनने लगी, तो हमको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि फ्यूचर में अगर हमको भी बिजनेस करना है तो बिजनेस एनवायरमेंट को समझने की ज़रूरत है। वैसे ही एक बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस करना चाहता है, इस बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रिवेल करना चाहता है, तो उसको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की जरूरत है। और बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना, उसको समझने को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सो व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग? इट रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है सर, बिजनेस एनवायरमेंट क्या है वो भी हमको समझ में आ गया, और एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है वो भी हमको समझ में आ गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, या फिर फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। तो बेटा ये कुछ फीचर्स हैं हमारे बिजनेस एनवायरमेंट के, कि दैट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, इंटर रिलेशन, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिविटी। इनमें से हो सकता है कुछ तो आपको देख के समझ में आ गए होंगे कि हाँ ये तो ये बोल रहा है, कुछ आपको नहीं आए होंगे, बट हम हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको किसी भी पॉइंट को रटना ना पड़े और आप लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाओ उन पॉइंट्स को। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। बेटा हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के बाहर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, चाहे वो मोदी जी हो गए, मोदी जी कौन थे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, चाहे वो इंटरनेट हो गया, इंटरनेट क्या था, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चाहे से वो दर्जी हो गया, वो क्या था, सोशल एनवायरनमेंट, जितनी भी फोर्सेस हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, वो सारी फोर्सेस हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट है। ऐसे नहीं कि हम किसी चीज को एक्सक्लूड कर देंगे कि ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, बहुत इजी सी बात है, हमको सारे फैक्टर्स को लेके चलना है बिजनेस एनवायरनमेंट में। द सेकंड पॉइंट इज दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। सर ये क्या होता है? तो बेटा स्पेसिफिक फोर्सेस तो वो फोर्सेस होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी, और जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगी। सर वो कैसे, एग्जांपल के साथ में समझाओ। तो सपोज आप लोगों का एक बिजनेस है शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। ठीक है सर, हम शर्ट वगैरह बनाते हैं। अब उस शर्ट को बनाने के लिए जो आप कपड़ा खरीदते हो ना, वो आप एक सप्लायर से लेते हो, गुजरात के किसी सप्लायर से। ठीक है सर, गुजरात के सप्लायर से कपड़ा लेते हैं, शर्ट वगैरह बनाते हैं और उसको हम कस्टमर्स को दे देते हैं। सपोज अगर वो जो सप्लायर है गुजरात का, वो आप लोगों को मना कर दे कि अब से मैं आपको शर्ट का कपड़ा नहीं दूंगा, तो दैट सप्लायर विल अफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली। केवल वो आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा, आपके पड़ोस वाली दुकान को इफेक्ट नहीं करेगा। आप जो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, अगर वो होलसेल में करते थे, आप दो तीन बड़े कस्टमर को अपने शर्ट बना के बेच देते थे। हो सकता है उनमें से किसी कोई कस्टमर मना कर दे कि मैं आपसे शर्ट नहीं खरीदूंगा, दूसरे से शर्ट खरीदूंगा। So that supplier, that customer will affect your business organization directly. Whereas there are such forces also जो आपके business को indirectly affect करेंगे। जैसे कि हमने हमारी last class में देखा था, रामलाल अंकल जो किराने की दुकान वाले अंकल थे, उसमें क्या हुआ था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, स्विगी इंस्टामार्ट आया और अपना ये ग्रोफर्स वगैरह आया, इसमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, इस फोर्स की वजह से उनका बिजनेस इंपैक्ट हुआ। केवल आपकी गली के किराने वाले अंकल नहीं, आपकी सिटी में, आपके शहर में जितने भी किराने की दुकान वाले अंकल हैं, उन सबका बिजनेस एनवायरमेंट, उन सबकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वो इंपैक्ट हुआ। सो जनरल फोर्सेज आर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस दैट हैव इंपैक्ट ऑन ऑल द एंटरप्राइजेस। केवल आपकी गली के किराने वाले अंकल नहीं, आपके शहर के, पूरे इंडिया के जितने भी किराने वाले अंकल है, उन सबकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे ये इंपैक्ट आया, एंड इफेक्ट इंडिविजुअल फर्म्स ओनली इनडायरेक्टली। तो आप सब लोग ये चीज को ध्यान रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक में भी आ गया, ये आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, या एक्सप्लेन करो स्पेसिफिक फोर्स क्या है। तो यहां पे तो क्या है, ये तो इफेक्ट करेगा डायरेक्टली और ये इफेक्ट करेगा आपको इनडायरेक्टली। ठीक है सर, ये दो पॉइंट तो बहुत ही इजी थे। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। सर इसमें क्या चीज़ है? तो बेटा बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करना तो ईजी काम है, उसको पढ़ना तो ईजी काम है, लेकिन उस चेंज जो हमने पढ़ा और जो बिजनेस एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है,
उस चेंज का हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट आएगा उसको अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। सर ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे? और सर ये टॉफी का आपने क्या एग्जांपल दे रखा है, तो अब हम एक टॉफी का एग्जांपल लेंगे। तो बेटा आज से कुछ साल पहले क्या होता था, जब भी आप लोगों को मैगी खरीदनी होती थी तो आप क्या करते थे, आप जाते थे दुकान पे, बोलते थे अंकल एक मैगी देना, कितने की है? वो बोलते थे बेटा 24 रुपए की। आप अंकल को देते थे 30 रुपए, और अंकल आप बोलते थे अंकल बचे हुए 6 रुपए, तो आपको अंकल 6 रुपए की टॉफी पकड़ा देते थे। अब आप आते थे, फिर आप नेक्स्ट टाइम जाते थे, कुछ रुपए होते थे, 1 रुपए 2 रुपए बचे, अंकल आपको बची हुई टॉफी पकड़ा देते थे। आप भी कुछ नहीं कर पाते थे, घर पे आते थे या तो उस टॉफी को खा लेते या फिर कोई और छोटा बच्चा होगा उसको दे देते थे। लेकिन अब आप जब भी मैगी खरीदने या कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हो, आप पूछते हो अंकल कितने की हुई मैगी, अंकल बोलते हैं बेटा 24 रुपए की। आप अपना फ़ोन निकालते हो, पेटीएम खोलते हो, पेटीएम पे स्कैन करते हो और फिक्स 24 रुपए अंकल को देते हो और घर पे आ जाते हो। अब बेटा ये जो नया चेंज आया था किस चीज़ का, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स का जो नया चेंज आया था, तो उसको स्कैन करना तो आसान था कि हाँ अब नया पेमेंट मेथड में चेंज आ गया है, आजकल के लोग बाग यूपीआई से पेमेंट करना पसंद करते हैं। लेकिन उस चीज़ का हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल था। हम एग्जाम्पल लेंगे हमारी टॉफ़ी का। तो पहले जब आप मैगी खरीदने जाते थे ना, तो छुट्टा नहीं होता था जो आपको टॉफ़ी मिल जाती थी। आजकल वो जो टॉफ़ी नहीं मिलती, इस छोटे की चेंज की वजह से अराउंड 500 करोड़ रुपए का इंपैक्ट आया है अपनी टॉफी इंडस्ट्री पे। सर इतना बड़ा इंपैक्ट। सो दिस बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एक छोटे से चेंज पे, एक ऑर्गेनाइजेशन पे, एक इंडस्ट्री पे कितना बड़ा इंपैक्ट आ जाए वो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इट इज ईजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज। समटाइम्स द चेंजेस मे बी माइनर बट मे हैव अ लार्जर इंपैक्ट। ठीक है सर, ये पॉइंट भी हमको समझ में आ गया और हम याद रखेंगे टॉफी वाले एग्जाम्पल को। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया ना, तो ये टॉफी वाला एग्जाम्पल हम लिख के भी आ जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ फीचर ऑफ योर बिजनेस एनवायरनमेंट, इट इज़ अनसर्टेनिटी। ये भी बहुत ईजी सा पॉइंट है बेटा। जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनसर्टेन है और जो चेंजेस आ रहे हैं उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो चेंजेस बहुत ही जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ठीक है सर, ये भी यहाँ पे हम टॉफी वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उस चेंज को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज एनवायरनमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। सर अभी तक के पॉइंट तो बहुत ही ईजी थे, नेक्स्ट वाले पॉइंट पर चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर रिलेशन। बेटा जितने भी फोर्सेज और जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आपका सोशल फैक्टर, आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक चीज़ दूसरे फैक्ट एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को इम्पैक्ट करता ही है। सर वो कैसे? तो बेटा आप लोग, ये जीन्स की फ़ोटो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आजकल आप लोग जीन्स ही पहनते हो, चाहे घर में पहनो, ट्यूशन वगैरह पे जाओ, चाहे कोई शादी पार्टी, आप सब लोग जीन्स ही पहनते हो। लेकिन आपके जो दादाजी वगैरह थे वो उस टाइम पे कुर्ता पजामा धोती वगैरह पहनते थे। या आज से कुछ साल पहले ही आप अगर जाओ, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, आप किसी जब भी अपने गाँव में जाओ या किसी भी गाँव में जाते थे, तो आपको वहाँ पर लोग धोती वगैरह में पहने हुए दिखते थे। लेकिन अब अगर आप जाओगे तो आप गाँव में भी ये पाओगे कि गाँव के लोग भी नए पैंट शर्ट जीन्स वगैरह पहनना लग गए। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। बेटा हुआ क्या, इंटरनेट की वजह से आजकल गांव में भी लोग बाग देखते हैं कि यार ये नया फैशन ट्रेंड चल रहा है, ये लोग बाग ऐसे जीन्स पहन रहे हैं, तो वो भी यही चीज पहनना चाहेंगे। सो ऑल द फैक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो सोशल फैक्टर है, गाँवों में जो ट्रेंड चल रहा है कपड़ों का, वो भी अफेक्ट हुआ है। ऑल दी फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हर फैक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है सर, ये पॉइंट भी हो गया। द नेक्स्ट फीचर इज दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। ये पॉइंट हम हमारे चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है। डायनेमिक इज चेंजिंग। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंजिंग है। और यहाँ पे सर ये तो इजी सा पॉइंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट तो है ही चेंजिंग, हम सबको पता है। लेकिन हमको एग्जाम में क्या लिख के आना है, इसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन को उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा और उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक कहावत है बेटा कि किसी भी इंसान को परिस्थितियाँ
परिस्थितियां कभी भी समझौता नहीं करती इंसान से, इंसान को परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। वाह वाह सर, अब तो आप शहर भी हो गए। सो इट इज द योर बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड, दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली। हमको कंटिन्यूअसली बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा नोकिया 1100 कंपनी के बारे में। हाँ सर, नोकिया 1100 का फोन आता था बेटा, वो फोन ऐसा था अगर आप ईंट फेंक के मारोगे ना उस फोन पे तो वो ईंट टूट जाएगी लेकिन वो फोन नहीं टूटेगा, और वो इतना चलता था जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, नोकिया ने जो बिजनेस एनवायरनमेंट था उसको रेगुलर स्कैन नहीं करा। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक था, उसमें कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे थे, लोग बाग नोकिया 1100 से पहुंच के स्मार्टफोन आ गए, पता नहीं कौन कौन से एंड्रॉयड के वर्जन आ गए, और अब तो आप देखते होंगे कैसे कैसे फोन आते हैं। लेकिन जो नोकिया था ना बेटा, वो एनवायरमेंटल स्कैन नहीं करा, उसने अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करा, वो वही अपना नोकिया 1100 बेचता रहा, और आज आप देखोगे कि नोकिया आपको मार्केट में दिखेगा ही नहीं। सो बिकॉज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, तो हमको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा उस बिजनेस एनवायरनमेंट को, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उसी हिसाब से ढालना पड़ेगा। द नेक्स्ट फीचर ऑफ योर बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिविटी। जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है ना बेटा, ये अलग अलग जगह अलग अलग है। अब बेटा यहाँ पे कैटरीना कैफ को तो भूल जाना, यहाँ पे मैं आपका साड़ी का एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि बेटा मैं जयपुर राजस्थान में रहता हूँ, यहाँ पे मैं साड़ी का शोरूम खोलूँ, तो क्या वो चल पाएगा? आप बोलोगे हाँ सर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, साड़ी तो हर कोई पहनता है। अगर मैं साड़ी का शोरूम यूपी में खोलूँ तो वो चल पाएगा? हाँ सर वहाँ पे भी चलेगा, वहाँ पे पहनते हैं। अगर मैं महाराष्ट्र में खोलूँ सर वहाँ पे भी चलेगा। लेकिन बेटा अगर मैं साड़ी का शोरूम यूके में जाके खोलूँ, रशिया में जाके खोलूँ, चाइना में जाके खोलूँ, तो क्या वो चलेगा? सर वहाँ पे क्यों चलेगा, वहाँ पे तो साड़ी पहनते ही नहीं है। सो योर बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशंस, जो कल्चर से वो अलग अलग है, इसलिए हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हर कंट्री हर रीजन के हिसाब से अलग अलग होता है। योर बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशंस कल्चर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे हमने क्या क्या कवर करा। ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेज, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक तो क्या इफेक्ट करती है, डायरेक्टली, और जनरल फोर्सेज इनडायरेक्टली। जितनी भी हमारे फैक्टर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट में, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फोर्थ वॉज अनसर्टेन, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, नोकिया मोबाइल फोन का एग्जाम्पल, इसलिए हमको कंटिन्यूअसली क्या करना है, मॉनिटर करना है बिजनेस एनवायरनमेंट को। सिक्स्थ वन इज दैट आर बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था टॉफी इंडस्ट्री का। सेवन्थ वन इज आर बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया साड़ी का। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफर करता है। अगर आप साड़ी का शोरूम इंडिया जैसी कंट्री में करोगे तो वो वहाँ पे तो चलेगा, लेकिन अगर आप यूएस में खोल दोगे तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं चलेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज importance of business environment। हमारा characteristic तो complete हो गया, आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा next topic है importance। ये बेटा कुछ importance है हमारी business environment की, आप सब लोग लिख सकते हो पॉज करके वीडियो को। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब ये क्या क्या है एक एक अच्छे से हम समझ लेते हैं, ताकि यू पीपल कैन रिटेन ऑल दी पॉइंट्स इन योर माइंड। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ योर बिजनेस एनवायरनमेंट इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बेटा जो भी बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करता है, वो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज ले सकता है। सर वो कैसे? तो बेटा हुआ क्या था, आज से 20 साल 25 साल पहले क्या होता था, केवल कुछ कंपनियों की गाड़ियां ही चलती थी, एम्बेसडर वगैरह, और जितने भी अमीर अमीर लोग थे ना, बहुत अमीर, जो कोई राजा वगैरह थे या कोई बहुत बड़े मंत्री वगैरह, जो भी अमीर अमीर लोग थे, केवल वही कार को चला पाते थे। लेकिन मारुति ने क्या करा, उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ा कि जितने भी हमारे मिडिल क्लास लोग हैं इंडिया में, वो भी कार खरीदना चाहते हैं, पर वो पैसों की कमी के कारण उस कार को नहीं खरीद पाते। तो मारुति ने बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ा और उसने ऐसी कार बनाई, मारुति 800, जो कि बहुत सस्ती थी और हर मिडिल क्लास फैमिली उसको
ले सके। सो बिकॉज मारुति ने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करा, इसलिए उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। आज शायद से मारुति की कारें इतनी अच्छी नहीं हो जितनी टाटा बनाता है, जितनी महिंद्रा बनाता है, लेकिन फिर भी मारुति का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज्यादा है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो द बिजनेस मैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट, जैसे हमारी मारुति सुजुकी ने कैप्चर करा। ठीक है सर, ये पॉइंट तो हमको क्लियर है और हमको याद भी रहेगा मारुति सुजुकी के एग्जाम्पल से कि मारुति सुजुकी वो पहला आदमी था जिसने समझा कि मिडिल क्लास को भी कार चाहिए, और वो कौन सी कार लेके आया? मारुति 800। योर सेकेंड पॉइंट इज बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग से क्या होता है बेटा? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बेटा अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करते हो कंटिन्यूसली, तो जो भी थ्रेट्स आने वाले हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं बिजनेस एनवायरमेंट में, उसको आप समझ सकते हो और आप एक को आपको एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को उस हिसाब से बदल दो। सर वो कैसे है बेटा? यहाँ पर भी हम मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल लेंगे। तो बेटा हुआ क्या, मारुति सुजुकी ने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो ले लिया, लेकिन उसने दोबारा जब बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कराना तो उसको पता लगा कि यार हो क्या रहा है, मैंने जैसे ही यहाँ पे कार बेचना चालू करा तो इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है तो बाहर की जितनी भी कंपनीज थी ना वो भी इंडिया में कूद पड़ी। फिएट, रेनॉल्ट वगैरह, जर्मन की जो भी कार्स वगैरह आती है ना, फोक्स वगैरह, वो सब भी टूट गए इंडिया के मार्केट में पकड़ने। तो उसने इस चीज़ को पकड़ लिया बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके, और उसने क्या करा कि ये ना यार होता क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि आज अगर आप लोगों को कार लेनी है, आप भी घर में कभी सुनते होंगे कि यार मेरे को थार लेनी है या एक्सयूवी 700 लेनी है, लेकिन उसकी वेटिंग है डेढ़ साल की वेटिंग है, तो आपके पापा कहते हैं कि चलो ठीक है हम ये कार ही ले लेते हैं। आप लोग बोलते हो नहीं पापा वही कार चाहिए, फिर आपके पापा बोलते हैं कि अरे उसको लेने में 1.5 साल लगेगा, 1.5 साल की वेटिंग है, तो जो भी कार जल्दी आ रही है हम उसको ले लेते हैं, मेरे को ऑफिस भी जाना है, मेरे को ये काम भी है। तो हुआ क्या, पहले मारुति ने कार तो बनाता था बहुत सस्ते में, लेकिन उसको 800 को बनाने में उसको टाइम लगता था। तो उसने इस प्रॉब्लम को समझा कि फॉरेन से कंपटीशन आ रहा है और लोग बाग मेरी कार नहीं खरीद के कोई दूसरी कार नहीं खरीद ले। उसने लोन लिया और बहुत सारी अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स खोल दी अलग अलग जगह ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार बना पाए, और ये जो थ्रेट था बाहर के लोगों का, बाहर का फॉरेन कॉम्पिटिशन को आना, इसको भी मारुति सुजुकी ने एलिमिनेट कर दिया। बिजनेस मैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरमेंट ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कंस्ट्रेंट्स और नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे मारुति सुजुकी को पता लग गया था कि बाहर से कॉम्पिटिशन आ रहा है तो अपनी प्रोडक्शन यूनिट बना दो ताकि हम लोगों को कार जल्दी से जल्दी पहुंचा पाए, उनको वेटिंग पीरियड नहीं हो। ठीक है सर, ये पॉइंट भी हमको समझ में आ गया, पहला तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दूसरा आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, दोनों में मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल था। Your third importance is that business environment helps in tapping and assembling resources. तो बेटा suppose आप लोगों की car manufacturing क्या, आप लोगों की shirt manufacturing या कोई भी jeans manufacturing company है। अब क्योंकि आप business environment को scan करते हो, आप Instagram बहुत चलाते हो, तो आपको पता लग गया कि यार आजकल तो प्लाजो का ट्रेंड आ रहा है, आप जितनी भी निब्बे निब्बिया हैं वो है ना प्लाजो खरीदना चाहेंगे। जो अपना विक्की कौशल है या कार्तिक आर्यन है ना, उसने क्या किया है, जीन्स की जैकेट पहनी जो पहले चला करती थी। तो आप लोगों ने सोशल एनवायरनमेंट को पढ़ लिया कि यार अब ये जीन्स की जैकेट का ट्रेंड आएगा, तो आप क्या करोगे, जीन्स के लिए कपड़ा लिया होगे, जीन्स वाला कपड़ा लिया होगे, प्लाजो के लिए कपड़ा लिया होगे कि इसको पहले प्रोडक्शन स्टार्ट करो। सो बिकॉज यू हैव अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप उन रिसोर्सेज को, क्योंकि उस प्लाजो को बनाने की कपड़ा तो लगेगा ही, रॉ मटेरियल लगेगा ही, सो यू विल बी एबल टू टैप दोज रॉ मटेरियल, दोज रिसोर्सेज। बिजनेस मैन हैव टू सप्लाई गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट, फॉर दैट दे नीड इनपुट रॉ मटेरियल एटसेट्रा, दे यूज द स्कैनिंग रिपोर्ट एज इनपुट टू मेक चेंजेस इन द आउटपुट विच सूट द टेस्ट ऑफ प्रेजेंट डे कस्टमर। जैसे कि आपने चेंज करा कि यार जीन्स की बजाय प्लाजो बनाना ज्यादा चालू करो, तो प्लाजो के लिए अलग कपड़ा आएगा। सो इट हेल्प्ड इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। सर ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? सो योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लान्स एंड पॉलिसी मेकिंग। सो योर एनवायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटीज। जैसे मारुति सुजुकी को पता चला कि इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी है मिडिल क्लास मार्केट को पकड़ने की, एंड
अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस एंड स्ट्रेटजीज कैन बी मेड टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज एंड देयरफॉर इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। बेटा हमारे पांच फंक्शन थे ना मैनेजमेंट के, हाँ सर थे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये हमारे पांच फंक्शन थे। जो पहला फंक्शन है ना प्लानिंग, जिसमें हम पॉलिसीज और प्लान्स बनाते हैं, उसमें हेल्प करता है हमारा बिजनेस एनवायरमेंटल की स्कैनिंग। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट की को स्कैन करके, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके आप अपॉर्चुनिटीज का पता लगा सकते हो और आप वैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो कि कैसे हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, जैसे कि मारुति सुजुकी ने किया। ठीक है सर, ये पॉइंट भी क्लियर है, बहुत इजी सा था। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इट दैट बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस। बेटा जो हमारे एनवायरनमेंट में रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, अपन ने हमारी कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक। व्हाई इज इट डायनेमिक? बिकॉज उसमें बहुत ही जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। क्यों? तो बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग से हमको क्या फायदा है, जो भी एनवायरनमेंट में रैपिड चेंजेस आ रहे हैं उससे हम एडजस्ट कर पाए अपने आप को। जैसे कि यहाँ पे भी मैं मारुति का एग्जांपल लूंगा। बेटा आज के टाइम पे हो रहा क्या है, मारुति ने मार्केट शेयर तो कैप्चर कर रखा है, और मारुति ने मार्केट शेयर को कैसे कैप्चर करा, लोगों की नस को पकड़ के, मिडिल क्लास को पकड़ा था। उन्होंने मारुति 800 कंपनी बनाई थी, उन्होंने ऐसी कार्स बनाई थी जो कि ज्यादा से ज्यादा माइलेज दे। लेकिन आज की तारीख में लोगों की जेब में पैसा बढ़ चुका है, लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ चुकी है, तो इसलिए अब जो लोग हैं वो केवल एवरेज को नहीं देखते, वो अपनी सेफ्टी को भी देखते हैं, वो गाड़ी के इंटीरियर को भी देखते हैं। तो बिकॉज द बिजनेस एनवायरमेंट इज रैपिडली चेंजिंग, नए नए चेंज आ रहे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कि यार सेफ्टी भी होनी चाहिए। मारुति की कार तो टीन का डब्बा कहते हैं, टाटा की कार देखो उसमें सेफ्टी है। तो हमारे बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करके उन चेंजेस से कैसे अडॉप्ट करा हमारी मारुति ने, वो कार लेके आए ब्रीजा। अब ब्रीजा की भी जो सेफ्टी रेटिंग है वो 4 out of 5 है। उन्होंने एक नया सेगमेंट बना दिया नेक्सा। नेक्सा में उन्होंने प्रीमियम कार्स निकालना चालू कर दिया, बलिनो, सीएस, ग्रैंड विटारा, जो एक प्रीमियम फील दे। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आ चुका है। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन बिजनेस। एनवायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स द कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड हेल्प्स इन कोपिंग विद देम। ठीक है सर, द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज दैट इंप्रूवमेंट बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बेटा जो भी बिजनेस रेगुलरली बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करता है, और जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो उसको अपने इंटरनल एनवायरमेंट को उसके जैसा ढाल देता है, वो अल्टीमेटली अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। विथ कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट कंपनीज कैन ईजिली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरमेंट matching to external environment, organizations can prosper and improve their market share. So, बेटा ये थी हमारी आज की क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। हमने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसके बाद में हमने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद में हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आप सब लोगों को हर चीज समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।